एक चीज दिखाओ, ये देखो, वाह, है ना गजब। आउटडोर बुकिंग और लोकेशन दिखाओ, सुमन लोकेशन दिखा, कितनी मस्त है ना। वो रही हमारी बाइकें और यहाँ पे रहे हम लोग। हम दुकान से लेके भी खा सकते थे पर ये सब। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं अपनी राइड पे और सुबह के बज रहे हैं 4:02। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी चाची लोगों के वहाँ जा रही हूँ, जिनके यहाँ मैं कल ही अपना सारा सामान रखाई थी, और उसके बाद हमारी राइड होने वाली है स्टार्ट। और आज है मेरा बर्थडे। वैसे मुझे मन नहीं कर रहा था आज जाने का, बट अच्छा भी है कि बर्थडे के दिन हम अच्छी जगह जा रहे हैं। पहली बार मैं इतनी अच्छी जगह जा रही हूँ अपने बर्थडे के दिन, तो खुशी भी हो रही है। तो चलो निकल पड़ते हैं अपनी राइड में, और थोड़ा आगे जाके बताऊँगी मैं आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस पहुँच चुकी हूँ मैं चाची के वहाँ, और यहाँ पे खड़ी है एक एम्प्टी हैंड टॉक। नहीं, हम चार ही जा रहे हैं। गाइस आई एम बैक। मारो सालों को, मुझे 3:30 बजे उठा के उठे नहीं, अभी पेलती हूँ इनको मैं। अलग हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसी हो? नंबर वन क्या करे, अगले साल शादी करके यहाँ आए तो हमारे यहाँ बर्थडे मनाने के लिए आऊंगी। आऊंगी, आ जाओ। नन्न सोया है? चाची नन्नू का, नन्नू के लिए केक आगे दूंगी तुमको पार्टी, ठीक है? नवरात्रि भी खत्म हो जाती है। केक है, इसको धोना मत, हाँ इसी बाहर वाले को धोना मत, ठीक है? इसके अंदर के अंदर के कटोरे धोने, इसको पोछना बस। अच्छा, इसके अंदर प्लग है ना, वो खराब हो जाएगा। नहीं तो यू लबू ना, वही करेंगे। हैप्पी टू यू का। थैंक यू थैंक यू। जल्दी होते यार। हेलो हेलो गाइस, बाय बाय, अच्छे से रहना हाँ। तो कहीं जाना मत, था किसी का हाथ का खाना मत, था ठीक है? पिछु पिछु नंगा बड़े हों तो मोनू गाली देगा मुझे। कैसा लग रहा है? ये चलो ऊपर बनाएंगे मस्त। चाची बाय बाय, आ जाओ। मोनू घुस जाएगी, मोनू घुस जाएगी, घुस भी। चलो मम्मी बाय। अगर चले तो करते हैं अपनी यात्रा स्टार्ट। तो बोलो हर हर महादेव। तो गाइस अब हम अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाएंगे, आज अमीर इच्छा ही रहेंगे ना, सारे डंडे फुल हो जाएंगे। देखो गाइस हमारे दो राइडर आगे से जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं, वो बहुत तेज चला रहे हैं। सेटअप रेडी है, चले गाइस। बोलो हर हर ये बोल नहीं रहे, बड़े गंदे हैं यार। तो गाइस चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड, और अब हम सीधे जाके रुकेंगे कैची मंदिर में, क्योंकि अगर रुकते रुकते गए तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा, है ना? अभी हम हल्द्वानी हैं, एक बार ही रुक भी चुके हैं। अब हम सीधे कैची मंदिर में रुकेंगे, टारगेट बनाते हैं कि लंबा लंबा रूट लेके रुकेंगे भैया दूर। और तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल,
और इसके बाद हम लोग जाएंगे भवाली, भवाली के बाद जाएंगे कैची, और कैची के बाद आगे का सफ़र हम आपको फिर बताएंगे। अभी हम लोग पहुंचे हैं कहाँ पे, कौन सी जगह है ये? बजीना, बजीना जगह में पहुंचे हैं। ये रानीखेत जाते समय पड़ता है रास्ते में। और भैया कैसा हो रहा है? फिर मजा आ रहा है? ठंडा नहीं हो रहा तुम्हें? और दीदी आप बताओ तुम्हें कैसा हो रहा? तो ये है मेरी पार्टनर जो पीछे से हेलमेट से टकरा टकरा रही है ऐसे। चले ये हमारी राइडर गर्ल। तो आप स्वागत है आप सबका रानीखेत में, सुंदर सा रानीखेत। वही तो, ये रहा रानीखेत छावनी। थक चुके हैं बहुत बुरा, सुबह 5 बजे से चले और कुछ खाया भी नहीं है। इतनी गंदी है ये, कुछ खिला भी नहीं रहे हैं, खाना भी नहीं खिला रहे हैं। थक चुके हैं, मेरी स्थिति देखो इसकी कुछ। और ना मैं आपको बताती हूँ, नीचे इतनी सुंदर नदी है ना, मन तो कर रहा है डुबकी मार के आ जाए, मस्त चल पड़ी बन के दिखाऊं कितनी प्यारी। यहीं पे बना लेते हैं। तो गाइस हम लोग रुके हैं गैरसैंण से आगे और इस सुनसान सी जगह में, और अब हम यहाँ पे आउटडोर कुकिंग करने वाले हैं। एनर्जी देख रहे हो हमारी गाइस, बहुत एनर्जी है, फुल मजे लेंगे हम मस्त करके। खाना पकाने के लिए शुभम साहब सबसे पहले रेडी ऊपर पहुँच चुके हैं। देखो घंघोर जंगलों के बीच में लाल परा और काली परी खाना बनाते हुए, और एक पानी की बोतल लेके जाते हुए एक परा। मैं तो मत पूछ गाइस, हालत खराब हो गई है। आउटडोर कुकिंग और लोकेशन दिखा, सुबह लोकेशन दिखा कितनी मस्त है ना। वो रही हमारी बाइकें और यहाँ पे रहे हम लोग। हम दुकान से लेके भी खा सकते थे, पर ये सब जो हम कर रहे हैं इसकी तो याद ही याद होगी, है ना मोनू? तो हम इसलिए बाकी हम खाते खाते आ रहे हैं रास्ते से, खाना हम खुद बना रहे हैं अब, क्योंकि अब हमने ज़्यादा नहीं जाना है। और एक ये देखो ऊपर वो बैठ के कर रहे, तुम मुझसे प्यार करती है नहीं करती है? वो बाइक वाले जा रहे थे बाइक जैसे, उन्होंने नीचे देखा तो चुप चुप नीचे देखा, नीचे देखा ऊपर नहीं देखा। तो खाना बनने के बाद मिलते हैं आपको। हाँ गाइस ये देखो हमारा पुलाव रेडी है बनके ये, और इन मस्त वादियों के बीच में ये सब खाने में तो मजा ही आता है। आए क्या बोलती हो मोनू बेबी, मजा आ रहा? थाली ये क्या थाली हो गया है रेडी। और यहाँ देखो खाते हैं फिर चलते हैं गाइस। ओके तो खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं, और
बहुत ज्यादा मजे आए गाइस, बहुत ज्यादा। एक दिखाती हूँ तुम्हें कैसे बैठी है। गाइस तैयार कर मुझे छुट्टी आवाज जल्दी से, ऐसी बात दे जो देखना। हेलमेट ही पहनना है अभी। खुला डाल रखा बताओ अभी। मैंने डाला, मैंने डाला। चाकू कैसे डालते हैं बंद करके। हो गया मेरी, और चलो चलते हैं। ये रहा कर्णप्रिया। वाह, क्यों अपने फोन से वीडियो बनाना है इसकी। तो कर्णप्रयाग को क्रॉस करने के बाद हम लोग निकलते हैं ऊखीमठ को। ऊखीमठ को बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और सिंगल रोड है, तो हमें हो गई थी रात। और इस रोड में रात को मतलब कि बहुत ही कम ट्रैफिक होता है, लोकल गाड़ियाँ भी बहुत कम चलती हैं। तो हम दो लोग थे, हम लोग जाते हैं सीधे चौपता। चौपता में हम पहले आगे चले जाते हैं, फिर आगे जाके हम लोग रुकते हैं और फिर वापस पीछे आते हैं। फिर पीछे आने के बाद ही हम वहाँ पर रूम लेते हैं, जो कि हमें पड़ा था 2500 के अराउंड रूम पड़ा था, और यहाँ पे रूम सही मिल गया था हमें। तो फिर आज हम यहीं स्टे करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं चौपता और हमें लेट हो गई थी, अंधेरा भी हो गया था नीचे। और ये देखो कंबल में घुसे पड़े हैं, सब ठंडा हो गया है। और हम यहाँ पे अब मैगी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और 80 रुपए का मिल रहा है खाना, इससे तो हम आठ मैगी लेके 80 रुपए काम चला। ये देखो मस्त करके मैगी खाएंगे हम, 3-4 दिन तो मुझे लगता है मैगी ही खाएंगे। और एक जैसे भी नेटवर्क नहीं है गाइस यार। और कल सुबह हम ट्रैक करेंगे तो मैगी खाते हैं फिर मिलते हैं। ओके, ये सामने मैगी चढ़ा दी है रूम में ही, और इसके बाद अब हम मैगी खाएंगे और सो जाएंगे। नहीं ले लिया। पैसा बचाना चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हैं हम तो। ये देखो तुम्हें अगर ये करना है, कौन खाएगा भैया वो इतनी महंगी थाली है ना। और या तो वैसे ही खाना होता मस्त, अपना बनाओ खाओ, ऐसे करो। ऐसे हम तो गाइस भी हराम खोरे नंबर एक। हमारी बस मैगी बनकर रेडी है, 80 रुपए में काम हो गया है। प्याज टमाटर भी उनसे ही मांगा है और भी। और क्या गाइस, क्या कहते हो, सही है ना। और बस अब हम लेटा मारेंगे तो गाइस सो जाते हैं। अब मिलते हैं आपको कल जब हम ट्रैक चढ़ेंगे, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ये लोग तो सो गए, मैं सो जाती हूँ। बाय बाय।